नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर का लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी और हर बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले यहाँ पर पाए जाते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक निरंतर प्रयत्नशील देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हमेशा अपने जीवन शैली को सुधारने में और ज़्यादा सुख सुविधा अर्जित करने में और ज़्यादा तरक्की प्राप्त करने की चेष्टा रखने वाले पाए जाते हैं, और उसके प्रति मेहनत भी करते हुए बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट फिंगर है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इंस्टेंट वर्क करेंगे, लेकिन कोई भी डिसीजन या प्लानिंग करते समय दूरदर्शिता, प्रो कॉन्स एनालिसिस अगर करके काम करेंगे तो इस कंडीशन में कभी भी आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, हर काम में सफलता, सेटिस्फेक्शन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका झुकाव कहीं भी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक सुन सबके लेते हैं, लेकिन अंततः करते मन की हैं। और यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच भी रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और इस फॉर्मेशन में सेटिस्फैक्ट्री सक्सेस लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छा पंचुअलिटी मैनेजमेंट ये जो क्रिएट करता है। तो 100% जो एफर्ट्स डालते हैं उसमें मन चाहा परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होता ही है, इसीलिए ये ग्रेट सक्सेस को भी यहाँ पर क्रिएट करता है। थर्ड फिंगर की लेंथ आपके हथेली में स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, और बहुत ज़्यादा ही इस कंडीशन में हार्ड वर्किंग नेचर के भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो विदाउट एनी हेल्प, खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के बदौलत ही जीवन में तमाम तरह की इच्छा और मानों की पूर्ति कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये बहुत अच्छे ग्रेट सक्सेस को क्रिएट करता है, और आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत या पराक्रम जीवन में कभी भी बेकार नहीं जाने वाला है। फर्स्ट और सेकंड फिंगर का मर्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में धर्म के प्रति रुझान ध्यान बढ़ता है, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में जो है देखने को मिलेगा। और फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप तो है, लेकिन क्लियर कट डेवलप नहीं है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलता है। और थंब का साइज यहाँ पर बहुत आपका सशक्त और मजबूत है, जो बहुत जिद्दी किस्म के नेचर को, हटी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत एक बार जो चीज़ निर्णय लिया तो दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने डिसीजन से आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और सच सुनना, सच का साथ देना, झूठ, फरेब, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना, ये भी कॉन्सेप्ट आपका थंब दर्शा रहा है। क्योंकि थंब की लेंथ जब स्ट्रांग और लॉन्ग देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में ईमानदारी भी आप जैसे जातकों में बहुत अच्छा होता है, और बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय किस्म का नेचर भी देखने को मिलता है। जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। पाम का साइज आपके लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, तो फिजिकल भी हार्डवर्क और मेंटल हार्डवर्क दोनों कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम रहते हैं, इसीलिए ये हार्डवर्किंग नेचर को डायरेक्टली दर्शाता है। और जुपिटर माउंट से बात करें तो देखिए, जब भी जुपिटर माउंट वीक होता है और शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती है, हमेशा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस करना ही पड़ता है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस, वरीज, अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें डेवलप्ड होती ही हैं। फैमिली लाइफ की बात की जा रही है, जिसमें मैरिड लाइफ की का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। मैरिड लाइफ के लिए तो सिर्फ शुक्र को ही देखते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ से ही इन्फ्लुएंस होकर मैरिड लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब होते हुए फिर देखने को मिलती है। क्या होता है कि जब हमारा जो जुपिटर माउंट दबने लगता है, तो फैमिली के लिए आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वहाँ से तो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती या सेटिस्फेक्शन जो है फुलफिल नहीं हो पाती। इसीलिए फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग हमेशा आप जैसे जातकों को अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है।
इसलिए कभी वहाँ से कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाए तो ही ठीक रहेगा, फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस में रहें तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आड़ी रेखा की जो श्रृंखला, ये बहुत दयालु किस्म का नेचर देती है, जिसके तहत दूसरों का दुख दर्द समझना अथवा खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है इस कंडीशन में भी, लेकिन अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ये है कि आप जैसे जातक बहुत बड़े दानवीर किस्म के देखने को मिलते हैं, इसलिए दान धर्म पूजा पाठ इन सारी चीज़ों से कभी भी पीछे नहीं हटते। और एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें और कि आपके बच्चे बड़े लायक निकलेंगे, यानी अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले या आपको खुशी प्रदान करने वाले, क्योंकि गुरु से जब शनि की तरफ रेखा इस प्रकार की जाती है तो बच्चों से निश्चित रूप से सुख प्राप्ति के योगों को ये निर्मित करता है। जब गुरु ऐसा थोड़ा दबा हो तो नॉलेज बहुत अच्छा देता है, लेकिन उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान अर्जित किया है, जितनी सक्षमता है, हमेशा उससे कम ही आंका जाता है, ऐसा आपको महसूस होगा यहाँ पर। इस कंडीशन में अगर आप जुपिटर रेमेडी करें तो ये सारे प्रॉब्लम आपके जो है डिजॉल्व हो जाने वाले रहेंगे, जो आपको सजेशन व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। आपकी माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी जुपिटर है, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना। खाली बैठना इस कंडीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बस जुपिटर थोड़ा स्ट्रांग होना यहाँ पर आपकी ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप कि आपके शनि के ऊपर आड़ी रेखा आ गई, जिसने आपकी लक लाइन को भी काटा है। हमेशा छोटे से छोटे काम के लिए भी दो अथवा उससे ज़्यादा बार मेहनत करना पड़ता है। इस कंडीशन में जीवन में जूझना पड़ता ही है, बेफिजूल की भागा दौड़ी, भय चिंता और अज्ञात भय जैसी चीज़ें ये निश्चित रूप से देगा। ये पेंडिंग कर्मा का निशानी होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं सफल होने के बावजूद भी चिंतन मनन करते हुए पाए जाते हैं आप जैसे जातक। इसीलिए आपके काम एक सिंगल मेहनत में या एकदम फ्लुएंट नहीं होता, जल्दी नहीं होता, रुक रुक करके होता है, क्योंकि भाग्य के दरवाजे पर जब आड़ी रेखा मौजूद हो तो काम कहीं ना कहीं रुकेगा फिर जा करके बनेगा। इसीलिए आपके काम में थोड़ी देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ें उत्पन्न होती रहती है। और आपके हथेली में मून लक लाइन से मून लक लाइन अवेलेबल है, मून के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकले तो सबसे कंफर्टेबल लक होता है, सबसे कंफर्टेबल अर्निंग लाइफ स्टाइल सब होता है, क्योंकि आप जैसे जातक अपने मन का सब काम कर पाते हैं और ये मन का क्षेत्र है, तो जो भी मन में रहेगा सब वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। मदर सपोर्ट पहले बहुत अच्छा मिलता है, फिर वाइफ सपोर्ट अच्छा मिलता है, फिर डॉटर भी जीवन में आती है, उनका भी सपोर्ट अच्छा मिलता है, तो फीमेल लक को भी ये क्रिएट करता है। बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार सहयोग देता है। अब ये जो लक लाइन है यहाँ पर आपकी सीधे के सीधे देखिए सैटर्न पर आई और ब्रेक ले ली, मुंह के पास निवाला आते आते रुकता है। थोड़ा सा ये इस प्रकार की रेखा हल्की सी तड़पाती है, फिर जाकर के काम बनाती है। इसीलिए आपको जो है जुपिटर के तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लक पूरी तरह यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सजेशन है व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, और अभी आपकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 40 की टच हो ही जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो लक है बहुत स्ट्रांगली अभी रन कर रहा है। और एक जो राहु की रेखा यहाँ पर काट के गई है वो आपकी काट के गई है, अगर इसका एज काउंट करेंगे तो एज ये निकलेगा आपको 34 से लेकर के तकरीबन 39 का पीरियड, ये पूरा का पूरा स्ट्रेसफुल रहा। और इसी समय में आपने लोन भी लिया तो लोन के द्वारा भी अनवांटेड टेंशन प्रेशर स्ट्रेसेस बना हुआ है, ऐसा लगता है कि सर के ऊपर बादल है, सर भारी भारी लगता है इस कंडीशन में राहु की जब ऐसी रेखा होती है। तो लोन तो खत्म होगा, लेकिन तब होगा कर्ज से मुक्ति तब होगी, और खुद का घर साम्राज्य अथवा खुद का घर अथवा गाड़ी बंगला जैसी चीजें सुख सुविधा तब प्राप्त होगी जब सैटर्न की आड़ी रेखा हटेगी, तब जाकर के निश्चित रूप से सुपरिणाम आएगा। और इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो सूर्य पर आपके नीचे में वी सिंबल बना हुआ है, तो इस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देता है, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता, नीचे भी बना होता है, हमेशा ये लगता है कि जितनी काबिलियत है उससे कम ही आंका जा रहा है या उससे कम ही वैल्यू मिला है। और ज़्यादा पाने में तत्पर आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी होती है, लेकिन इस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेफिजूल की भागदौड़ी फिर देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य की रेखा आगे चल करके स्ट्रांग हुई है और वी सिंबल का साइन भी क्रिएट की है, जिसके कारण नेम रिस्पेक्ट, तो ये यशस्वी योग को निर्मित करता है, जिसके अंतर्गत संघर्ष के बाद जीवन में सुख सुविधा संपन्नता प्राप्त होती है। तो संघर्ष तो जीवन में आपके बेहद दिख रहा है, लेकिन कुछ बारीक पॉइंट है जिसको मैं यहाँ कवर डेफिनेटली आपके सामने करूँगा, वो है यहाँ पर एक ट्रायंगल का ये साइन, ये प्रॉपर्टी देता है
और पिता का नाम भी रोशन करता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, आपके समाज का कारक है, तो आप जीवन में इस पद तक विराजमान होंगे कि लोगों के काम आपके नाम से होने लगेंगे। वी सिंबल का साइन जो होता है ये इतना जीवन में अच्छा ध्यान देता है कि पैसा दे करके दूसरों से काम कराने की आदत होती है और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। हल्का सा, बहुत हल्का सा यहाँ पर वी सिंबल का साइन आपको देखने को मिलेगा, एकदम छोटा सा। तो सैटर्न पर जब वी सिंबल हो तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त होता है, संतुष्टि के साथ समृद्धि, प्रसिद्धि और धन वान बनने के पूर्णतः योग बनते हैं। बीच की जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं, तो दूसरों को गाइड एडवाइस अच्छे से दे पाते हैं। और बीच में जो ये रेखा जा रही है इसे बुधादित्य योग का निर्माण कहते हैं, जिसके अंतर बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाने के साथ उसके द्वारा लाभ जीवन में बहुत अच्छा कमा पाते हैं। तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ये सब बेसिक नेचर रहता है। मरकरी के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, अच्छे कैलकुलेशन स्किल्स जैसी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है। तो इस प्रकार का मरकरी ओवरऑल गुड पर्सनैलिटी को, चरित्रवान किस्म के व्यक्तित्व को, आकर्षित व्यक्तित्व जैसी चीज़ों को उत्पन्न करता है। इसलिए ये मरकरी जो लर्निंग हैबिट है, इंटेलिजेंसी जो होता है उसका भी कारक है, तो इंटेलिजेंसी परफेक्ट देखने को मिलती है। आप जैसे जातकों के पास जीवन में ना ही कभी काम की, ना ही कभी किसी प्रकार के धन की, ना ही लोगों की कोई कमी होती है। लोगों की कमी का मतलब ये हुआ, लोगों का आना जाना जीवन में लगा रहता है, हमेशा लोगों से घिरे हुए, या लोग आपकी जो कंपनी है उनको इन्जॉय करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि आप उनको उतना अच्छा स्पेस दे पाते, समझ पाते हैं, इंटरटेन कर पाते हैं, या फिर कन्विंस कर पाते हैं, समझा पाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी दिखी मरकरी पे। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना, दूसरों को खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है, जो आपकी हृदय रेखा है। थोड़ा सा ब्रेक ली है, फिर यहाँ से गुरु की तरफ झुक गई है। इसीलिए लाइफ में चाहे कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाए, आप इमोशनल बेस्ड ही डिसीजन लेंगे। इमोशनल नेचर को ये थोड़ा ज़्यादा बना देता है, दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इसीलिए बहुत जल्दी हर्ट भी होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, इमोशनल नेचर होना अच्छी बात है, प्रैक्टिकलिटी रखना थोड़ा ज़्यादा इस कंडीशन में ठीक रहेगा। और एक शाखा यहाँ से निकल के जो मंगल पे गई है, ये मांगलिक योग का निर्माण भी करती है। हालांकि मंगल के अब आपको दुष्परिणाम ऐसे पड़ेंगे, नहीं मिलने वाले रहेंगे, लेकिन अभी भी एक खतरा है, वो है ब्लड प्रेशर का। इस प्रकार का जो हार्ट लाइन है ये एग्रेशन देता है। इस कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर, बीपी के रिगार्डिंग ट्रबल होने के चांसेस मौजूद रहते हैं। माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंटली रन कर रही है लाइफ लाइन से, तो बचपन से तमाम तरह की इंडिपेंडेंसी या सुख सुविधा मिली हुई होती है, जिसके तहत अपनी जिद पर अडिग रहना या अपना जिद किसी भी हाल में पूर्ण कराना, ये बेसिक नेचर में होता है। मेंटल स्ट्रेस प्रेशर से आप गुजरे हैं उम्र 21 से लेकर के तकरीबन यहाँ 25 के बीच में, थोड़ा ज़्यादा। फिर माइंड लाइन में स्टेबिलिटी आना प्रारंभ हुई उम्र तकरीबन 27 के बाद से। माइंड लाइन स्ट्रेट है, इसीलिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अच्छा खासा गेन करेंगे, और उसके जो भी अपॉर्चुनिटी गेन किया उसको सही यूटिलाइज कर पाएंगे। आउटर मार्स से जो ये रेखा आ रही है ये पराक्रम को बढ़ाता है जीवन में, मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग करता है। और इस कंडीशन में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारते, घुटने नहीं टेकते। तो जितने भी विपरीत परिस्थिति, माहौल, व्यक्ति, लोग जीवन में रहेंगे उसका सामना बड़ी सरलता से कर पाएंगे, और ऐसा जो मार्स है ये कभी भी आपको जीवन में पीछे होने नहीं देगा। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी में आता है, जिसमें मेमोरी भी शार्प होता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं, और तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को इजीली हैंडल टेकल करते हैं। लाइफ लाइन एक फ्लुएंसी में आपका रन ही नहीं किया तकरीबन उम्र 41 तक, क्योंकि उसमें छोटी छोटी ऐसी जो रेखाएं हैं ये बार बार मेंटल जो थिंकिंग है उसको चेंजेस होते हुए दर्शाता है। और एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी दिख रहा है, उम्र आपको यही 31 से लेकर के तकरीबन 35 की उम्र तक, तो ये पीरियड हेल्थ के रिगार्डिंग भी और एक प्रकार से कर्ज के रिगार्डिंग भी आपको ज़्यादा बांध दिया। उसके बाद उम्र 37 में प्रोग्रेस लाइन दिख रही है, उम्र 40 और 41 में भी एक रेखा दिख रही है। तो इस पीरियड में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस 100% है, और 41 के एज टच होते होते आपका घर बनाने का योग भी शुरू हो जाएगा। लाइफ लाइन का फ्लो फिर बाहर की तरफ झुक रहा है, मल्टीपल्स इसमें शाखाएं निकल रही हैं जो कि ट्रैवलिंग्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। शुक्र की तरफ रेखा झुकने के कारण यहाँ पर आपको फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है, फैमिली से ज़्यादा दूर रह ही नहीं पाएंगे आप। यहाँ से जो रेखा निकल रही है ये स्वास्थ्य सुधारता है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, और लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन आ रही है ये आपके स्पाउस को, बाहरी दुनिया, लोगों के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को दर्शा रहा है, जो करेक्ट उम्र 29 या 30 से ही आपको मिला है। और इसी उम्र में एक प्रोग्रेस लाइन भी निकली है जो अच्छे खासे ग्रोथ को दर्शा रही है 29 से 31 के मिड में।
जब इस प्रकार की रेखा होती है तो स्ट्रेस वरीज कम होता है, ड्रीम डिजायर एम्बिशंस कंप्लीट होता है। तो अभी तक तो लाइफ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की थी, लेकिन अब आने वाला समय बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ना ही आपके यहाँ जीवन रेखा पे है, ना ही भाग्य रेखा पे है, और सूर्य रेखा की स्थिति भी मजबूत जा रही है। तो बड़ा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलने के योग है। बस एक दिक्कत अभी भी दिख रहा है, वो शनि और सूर्य, शनि और गुरु से। इसका रेमेडी करने के बाद आपको फिर कोई आशंका का केंद्र रहेगा ही नहीं सफलता के लिए। अंदरूनी मंगल की स्थिति बढ़िया है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो फिजिकल फिट, मेंटली स्ट्रांग रहने के योगों को निर्मित करता है। ऐसा शुक्र बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो खुद के ऊपर कम खर्च करें, लेकिन अपने फैमिली के ऊपर भरपूर खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा। और तो सबसे ज़्यादा खर्च सुख सुविधाओं को अर्जित करने में, या लग्जरीज रॉयल्टी, या गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में। ऐसा शुक्र चमक धमक को बहुत पसंद करता है। आप जैसे जातक आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं, और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी जैसी चीज़ें खुद आपके अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, यूनिक चॉइसेस और अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी ये व्यतीत करवाता है। बस यही है कि जो जुपिटर डिस्टर्ब है, या ओवर थिंक, नेगेटिव थिंकिंग से जो सैटर्न डिस्टर्ब है, उससे शुक्र भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस एग्जिस्ट थोड़ा कम कर रहा है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज देती हैं, इसलिए लाइफ में कभी किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी जीवन शैली को और ज़्यादा सुधारने में। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है ऐसा शुक्र, और केतु पर भी बायफोर्गा का साइन। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक फिश सिंबल दिखेगा, चंद्र से इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर ही प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बनते हैं। मून लक लाइन है, मन का सब काम कर पाएंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एक ट्रैंगल यहाँ पर भी है, तो इसीलिए अच्छा खासा ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है। चंद्र डेवलप ठीक है, मनी ट्रैंगल ओपन है, पैसा आएगा, रुकने नहीं वाला है, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। लाइफ लाइन यहाँ पर देखेंगे तो एक बड़ी रेखा, देन आफ्टर शॉर्ट कॉम्बिनेशन है, तो बेबी गर्ल होने के चांसेस अभी थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पाम में, लेकिन इसका कन्फर्मेशन बिल्कुल भी आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की आशंका होती है। इसमें लाइफ पार्टनर का भी हैंड देखना होता है, तब जाकर के प्रॉपर प्रेडिक्शंस आने की हल्की सी संभावना रहती है। यहाँ से एक रेखा निकल के आपके चंद्र पे गया है, जिसे विया लाइसविया कहा जाता है। ये एक प्रकार का एडिक्शन भी देता है, थोड़ा सा पेट संबंधी दिक्कत ये देता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो एक क्रॉस का साइन दिखने को मिला गया आपको, तो इस कंडीशन में काम बनते बनते रुकना वैसे योगों को ये निर्मित करता है, इसलिए सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करना जरूरी है। सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो पिता से वैचारिक थोड़ा अनबन मतभेद की स्थिति ये देता है, लेकिन इसी के बीच ट्रेंगल भी बना है, तो बहुत बड़े पद पर जाएंगे आप। आपके जीवन से जो लोग गए हैं उल्टे पाँव वापस चल कर आएंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा समृद्धवान, प्रसिद्धवान, धनवान यहाँ पर बनने वाले रहेंगे। बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है सूर्य पर ट्रेंगल, जब भी ऐसे देखने को मिलता है बहुत बेहतरीन लेवल का सक्सेस लाइफ में मिलता है। सूर्य कारक ही है सफलता का नाम, इज्जत, शोहरत का। बड़े बड़े लोगों को शीश नमन करना पड़ता है, इतना पावर पोजिशन ये देता है। फोकस अच्छा है आपका, क्योंकि सीमेल लाइन का फॉर्मेशन ये क्रिएट कर रहा है। बस यही है कि नेगेटिव या ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों से दूर रहना है, बाकी तो सारे फॉर्मेशन आपके पाम में अब बहुत अधिक सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।